हाय एवरीवन, एक यूज है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है लेट। लेट रिप्लेस होता है अलाउ की जगह पर, और अलाउ रिप्लेस करता है लेट को। अलाउ बहुत ज्यादा प्रोफेशनली और फॉर्मली यूज किया जाता है, लेट जो कि कैजुअली बहुत ज्यादा यूज होता है। और ये बात ध्यान रखना, लेट हमेशा प्रोनाउन के साथ आता है। प्रोनाउन मतलब ही नहीं, हिम, शी नहीं, हर, दे नहीं, देम, आई नहीं, मी। जैसे एग्जांपल के तौर पे अलाउ मी टू से समथिंग, सिमिलरली मैं बोल सकता हूँ लेट मी से समथिंग। अलाउ हिम टू गो, इसका मतलब उसे जाने दो, लेट मी गो। लेट मी ट्राई समथिंग न्यू, अलाउ मी टू ट्राई समथिंग न्यू। बट अगर आपको कैजुअली यूज करना हो, जैसे एग्जांपल के तौर पे एक बच्चा परेशान कर रहा है, आपको पढ़ने नहीं दे रहा है, तो आप क्या बोलेंगे? अलाउ मी टू रीड। शायद उसके पास अथॉरिटी नहीं है, राइट? क्योंकि वो छोटा बच्चा है, तो वहां पर आप कैजुअली यूज करोगे लेट को। और एक बात ध्यान रखना, अगर आप लेट के साथ अस यूज करते हो, जिसको बनता है कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में बनता है लेट्स, लेट अस बिकम्स लेट्स, तो आप बोलते हैं लेट्स डू समथिंग न्यू। इसका मतलब होता है कि आप ऑफर कर रहे हैं कैजुअली किसी को कुछ करने के लिए, आप सजेशन दे रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, चलो मम्मा से मिलते हैं, तो मैं क्या बोलूंगा? लेट्स गो टू मीट मम्मा, चलो मूवी देखने चलते हैं, लेट्स गो टू वॉच फिल्म। So let us मतलब ऐसा करते हैं, मतलब अपने आप को नहीं बोल रहे, सब अपने साथ में जो भी लोग हैं उन सबको ऑफर कर रहे हैं या एक सजेशन दे रहे हैं। थैंक यू।